गाइस वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीविटामिंस। काफी क्वेश्चंस हैं लोगों के, कुछ लोग पूछते हैं इसको किस टाइम लेना चाहिए, किस एज में लेना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है या नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो मैं आपके सब क्वेश्चंस का आपको इस वीडियो में आंसर दूंगा कि कितना जरूरी है हमारे लिए मल्टीविटामिंस। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मल्टीविटामिन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि फैट, कार्ब, प्रोटीन, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आपको एक चीज का ध्यान रखना, ये दो चीजें हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो हम अपने पूरे दिन की डाइट से कंज्यूम कर लेते हैं और हम भूल जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है हमारे? विटामिंस एंड मिनरल्स। गाइस मल्टीविटामिन की कोई भी उम्र नहीं है, हम इसको किसी भी उम्र ले सकते हैं, 15 साल से 90 साल की एज में इसको ले सकते हैं। अक्सर लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें मल्टीविटामिंस क्यों लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे होते हैं, जैसे कि फैट, कार्ब, प्रोटीन, ये हमें बॉडी में एनर्जी देता है, हमारे मसल बिल्डिंग करने में हमें हेल्प करता है। मल्टीविटामिंस आपको क्यों चाहिए गाइस? विटामिंस एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी आईसाइट, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। और जो आपकी बॉडी के अंदर जो मशीनरी काम कर रही है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आपने इसके बारे में सोचा है? इन सब के लिए मल्टीविटामिंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए आपको चाहिए विटामिन सी, आपकी आईज के लिए चाहिए विटामिन ए, आपकी बोन्स के लिए चाहिए आपको कैल्शियम। कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि आप इसको कहाँ से ले रहे हैं? आपकी जो डेली डाइट, जो आप सुबह से शाम तक डाइट ले रहे हैं, आपके उसमें इसको पूरा कर पा रहे हैं मिनरल्स और विटामिंस? कभी आपने इन चीज़ों का ध्यान दिया है? नहीं, बहुत ही कम लोग मेरे ख्याल से ना के बराबर जो इतने न्यूट्रिएंट अपने डाइट से ले पाए। तो गाइस इंपॉर्टेंट है आप मल्टीविटामिंस अपनी डाइट में ऐड करें, एक या दो विटामिंस आप मॉर्निंग में लें, ताकि आपकी बॉडी में जो मिसिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट है काफ़ी हद तक पूरे हो सके। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है गाइस, आप वर्कआउट करें या ना करें इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये आपकी स्किन, हेयर, आई साइड, आपके नेल्स, आपके अंदर जो सिस्टम, जो फंक्शनल, जो एक मशीनरी चल रही है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर आप उनमें से जो एक्सेस डेली करते हैं और आप अपनी डेली डाइट में मल्टीविटामिंस यूज़ करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। मेरे काफ़ी क्लोज वंस हैं जो जिम नहीं जाते, कोई वर्कआउट नहीं करते, लेकिन वो अपनी डेली डाइट में मल्टीविटामिंस यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में एक या दो विटामिंस वो जरूर लेते हैं डाइट। तो गाइस सिंपल सा फंड है, आप चाहे वर्कआउट करें या ना करें, इससे वर्कआउट से कोई लेना देना नहीं है। कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हम वर्कआउट करते तो मिलना चाहिए, हम नहीं करते तो नहीं लेना चाहिए। आपको इससे कोई लेना देना नहीं वर्कआउट से, आप करते या नहीं करते वर्कआउट, आपको डेली डाइट में विटामिंस और मिनरल्स लेना, ऐड करना बहुत जरूरी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें किस ब्रांड का मल्टीविटामिंस लेना चाहिए। इस मार्केट में बहुत से मल्टीविटामिंस अवेलेबल हैं, बहुत सी कंपनीज हैं मार्केट में, तो मैं कोई आपको कोई एक ब्रांड नहीं बताऊंगा। आपको बस इतना करना है मार्केट में जाके, जो भी आप मल्टीविटामिन लेते हैं, आपको बस पीछे सर्च करना है उस पर कि सिंपल सिंगल विटामिंस नहीं हो, उसमें विटामिंस और मिनरल्स दोनों चीज़ें, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए। गाइस आज जो हमारा मल्टीविटामिन का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है, आपको काफ़ी हद तक इससे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मैं ये क्यों लेना है। आप नेक्स्ट वीडियो को किस पर चाहिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आपको किस चीज़ पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको किस चीज़ पे कोई भी आपको इशू हो मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन इसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।